रीजनिंग में जो तुम्हारा चैप्टर है आज, इसमें एस चंद वाली जो रीजनिंग है, ये 11वां चैप्टर है, संख्या सादृश्यता नंबर एनालॉजी। ठीक, तो क्वेश्चन बताओ साथ के साथ। पहला क्वेश्चन देखो, इधर देखो बोर्ड पे, वो कह रहा है जिस प्रकार 19 का संबंध 91 से है, 19 का संबंध किससे है, तो उसी प्रकार 17 का संबंध बताओ किससे होगा। इसने अंक बदल दिए, क्या कर दिए, तो इसके लिए तो 71 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है जिस प्रकार 2 का संबंध है 4 से, 2 का संबंध किससे है, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। देखो इसने ना वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग तो 3 का वर्ग। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार 1000 का संबंध है 10 से, 1000 का संबंध किससे है, तो उसी प्रकार 729 का संबंध किससे होगा, ये पूछना चाह रहा आपसे। तो ये 10 का ये क्या है, घनमूल, ये क्या है, तो 729 का घनमूल बताओ, 9, 729 का घनमूल, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 9। अब चारवें क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4, 4 में है 17 को क्या लिखा गया है, 136 है, तो उसी तरह ये आपसे पूछना चाह रहा है कि 18 को क्या लिखा जाएगा, 18 को बताओ क्या हो सकता है इसमें, है कैसे, है देखो इसको और इसको जोड़ो, 8 और 17 में गुणा कर दो, तो 17 अट्ठे कितने होते हैं, 136। अब इसको और इसको जोड़ो, 9 और 18 में गुणा कर दो, 18 निम्मा 100। तो इसमें क्या रीजनिंग लगी है, इस क्वेश्चन में अंकों के योग की गुणा कर दिए संख्या में, अंकों के योग की गुणा कर दिए संख्या में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन, पांच में क्या है, 05 को क्या लिखा है इसने, 20 लिखा है, तो आपसे किसके लिए पूछ रहा है, 06 के लिए पूछ रहा है, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, 36 कैसे आएगा, 30 आएगा। देखो 5 चौक, 5 से 1 कम से गुणा कर रहा है, 5 से 1 कम से गुणा करिए, तो 5 चौक 20, तो 6 से 1 कम क्या होता है, तो 5 छंग तो 30 आएगा, क्या आ जाएगा। छठे क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, छठवें क्वेश्चन को देखो, इसने लिखा है 112 को क्या लिखा जाता है, 448, तो आपसे पूछना चाह रहा है 221 को क्या लिखा जाएगा, 221 को क्या लिखा जाएगा, आ रहा कुछ पकड़ में, नहीं आ रहा, बताओ, तो अंकों के योग से ही गुणा करिए, जैसे अभी ये क्वेश्चन बताया था, तो यहाँ अंक 1 और 1, 2 और 2, 4, तो 4 से गुणा करो, 4 2 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ भी अंकों को जोड़ो, 2 और 2 और 1, तो 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 1 11 है, ऑप्शन में, अरे है। सातवें क्वेश्चन पे आओ, सातवें क्वेश्चन पे, सातवां क्वेश्चन क्या है, 63 57 68, हाँ यही है, इसको क्या लिख दिया इसने, 86 75 36, तो आपसे किसके लिए पूछ रहा है, 81 95 78 के लिए पूछ रहा है, तो इसने उल्टे कर दिए, ये समझ गए ना, तो कर दो 8 7 5 9 1 8। आठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या है, 234 को क्या लिखा है इसने, 81 लिखा है, तो आपसे ना 143 के लिए पूछ रहा है कि 143 के लिए क्या आएगा, 234 को क्या लिख दिया इसने, 81, बताओ इसमें क्या लगेगा, 64 कैसे, अंकों को जोड़ के 2 और 3 5 और 4 और 9 का वर्ग, ऐसे यहाँ 1 और 4 5 और 3 8 का वर्ग, आगे समझ सबको, चलो फिर तो अच्छी बात है। इससे आगे 9वां क्वेश्चन हटा देने, तो समझ तो आ रहा है आपको, रीजनिंग की बस प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना, वो यही हो जा करेगी, एक बार घर और कर लेना दोबारा से। 9वां क्वेश्चन, 4 को क्या लिख रहा है, 17, 4 को क्या लिख रहा है, 17, तो आपको बताना कि 7 को क्या लिखेगा बताओ, हाँ कैसे, अच्छा तो 4 का वर्ग 16 और 1, तो 7 का वर्ग 49 और 1 50। दसवें क्वेश्चन पे, दसवें क्वेश्चन पे, दसवें क्या है, 2 को लिख रहा 32, 2 को क्या लिख रहा है 32 लिख रहा है, तो आपसे पूछना चाह रहा 3 को बताओ, 3 को क्या लिखूं, तो ये 2 की घात कितना है, ये 5, अरे 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32,
हाँ, तो इसके भी पांच बार गुणा करके देख लो एक बार, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तिया इक्यासी तिया 200 है ऑप्शन में 243 बस, तो 243 आ जाएगा। इसने घात पांच कर दिए, इसकी घात पांच करी तो ये, इसकी घात पांच करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे बात समझ। ग्यारहवें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या है, 8 को लिखा है इसने 81, 8 को क्या लिखा है 81, और आपसे बोल रहा 64 को बताओ क्या लिखें, 64 के लिए पूछ रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा इसमें। 11वें क्वेश्चन में 8 को तो 81 लिखा है, हाँ देखो 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 2 का, और ये क्या है 9 का वर्ग है, पर 3 का क्या है ये क्यूब, कहाँ है क्यूब, तो 27 होता है, 27 तो ये 2 का क्यूब है। ये देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ आधार कितना है 2, और यहाँ आधार कितना है एक ज्यादा, यहाँ घात कितनी है और यहाँ घात कितनी है एक ज्यादा, आधार भी एक ज्यादा घात भी एक ज्यादा, तो ये क्या है 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है ना, ये 4 का क्यूब। अब तुम्हें यहां भी एक ज्यादा कर दो 5, यहां भी एक ज्यादा कर दो 4, तो 5 की 4 बार गुणा करो, तो 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 आएगा। ऑप्शन चेक करो है 625 आ गया। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आ गया पेपर में, इससे आगे बढ़ो। 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ, 12वां क्वेश्चन 12 में क्या है, 12वां क्वेश्चन है 16 को लिखा गया है 22, 16 को क्या लिखा गया है, तो आपसे पूछ रहा कि 36 को बताओ क्या लिखा जाएगा, 36 को तो बताओ क्या हुआ है इसमें, एक अधिक का वर्ग करके 3 घटा रहा है, हा? ये किसका वर्ग है, ये है 4 का वर्ग है, तो 4 और 1 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 25 में से 3 घटा दो 22, ये क्या है 6, तो 6 का वर्ग है तो 6 में आप 1 जोड़ दो 7, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, तो 49 में से 3 घटा दो तो इस तरह से 46 दे रहा है, ठीक है, इस तरह से क्या दे रहा है 46 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये तुम्हारा 12वां क्वेश्चन, चलो इससे आगे बढ़ो 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, 13 को क्या लिखा है इसने, 4 को 19 लिखा है, 4 को क्या लिखा है 19 लिखा है 13 में, ठीक है, तो आपको 7 को बोल रहा है कि 7 को क्या आएगा, 7 के लिए क्या आएगा, हाँ लगाओ रीजनिंग, 4 चौक 16 और 3 19, हाँ 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग 16 और 3 19, और 7 का वर्ग 49 और 3, सही है, ये तो ऐसे हो जाएगा, वर्ग प्लस 3, इसका वर्ग करके प्लस 3, इसका वर्ग करके प्लस 3, तो 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 52 तेरहवे का, ठीक है। 14 पे आ जाओ, 14 पे तो 14 में क्या है, इसने क्या काम करा है, 8 को तो 9 लिखा है, हाँ तो 64 को बूझ रहा है, क्या बूझ रहा है 64 के लिए बूझ रहा है ये, ठीक है, तो ये 2 का क्या है 2 की घात 3, और ये 3 का क्या है 3 का वर्ग है, ये वर्ग है ना, तो ऐसे ही यहाँ ये किसका, किसी का वर्ग तो है नहीं, 8 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये क्यूब हो रही है, यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब ही बना लो, है ना, तो इससे एक कम, देखो इधर आधार 2 था तो इधर आधार कितना हो गया 3, तो यहाँ आधार 4 है तो यहाँ आधार, यहाँ घात कितनी थी और यहाँ 2, तो आप भी 2 कर दो तो 5 का वर्ग है ऑप्शन में 25 आ जाएगा इसका, जो रिलेशन पहले होता वही रिलेशन बनाना होता फिर दूसरी बार भी, तो इसका आंसर हो गया 25। 15 पे आओ, 15 पे 15वां क्वेश्चन, 1 को 1 लिख रहा है, 1 को क्या लिख रहा है 1, और आपसे पूछ रहा है बताओ 25 को क्या लिखें, 25 को क्या लिखें, तो 1 का वर्ग भी तो 1 ही होता है, तो 25 का वर्ग 625, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। 16 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या कर रहा है ये, 400 को क्या लिख रहा है 20, 400 को क्या लिख रहा है, तो आपसे पूछ रहा बताओ 441 को क्या लिखें, तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो 441 का वर्गमूल 21, तो इसका तो आंसर 21 आ जाएगा। इससे आगे बढ़ो, 17 पे हो, 17वां क्वेश्चन, 17 में क्या है, 6 को लिखा 42, 6 को क्या लिखा 42, तो आपसे 7 को बुझ रहा है, क्या बुझ रहा है, देखो 6 से 1 अधिक 7 से गुणा करो, 7 छेंग, और 7 से 1 अधिक 8 से गुणा करो, 7 अट्ठे है ऑप्शन में, तो इस तरह हो जाएगा ये। इससे आगे बढ़ो, 18 पे आ जाएंगे, किस पे 18 में क्या है, 12 को लिख रहा 72, 12 को क्या लिख रहा है, तो आपसे 8 को बुझ रहा है कि 8 के लिए बताओ क्या आएगा, तो 12 छिंग कितने होते हैं, 12 छिंग
अच्छा, छह से क्यों गुणा कर रहा है? आधा कर रहा है। बारह का आधा छह से गुणा कर दी, तो आठ का आधा चार से गुणा करो, तो आठ चौक 32 इसका आंसर हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19, चार को लिखा है 36, चार को क्या लिखा, तो छह को बुझ रहा है कि छह को बताओ क्या आ जाएगा। चार को तो 36 लिखा है, तो चार से दो आगे कितने से गुणा कर रहा है, नौ से, नौ की गुणा, और इसमें भी नौ से एक बार गुणा करके देखो, तो 54 है ऑप्शन में, तो 54 हो जाएगा। तो नौ की गुणा करिए, कितने की गुणा करिए, नौ की गुणा कर दिए इसने। 20 पे आओ, 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 तक ही करते हैं आज ने। तो 12 को क्या लिख रहा है, 72 लिख रहा है 12 को, तो 13 को क्या लिखेगा, हाँ 12 छिंग, यहाँ तो ये मान लिया चलो इसके आधे गुणा कर दी, 13 का आधा ही नहीं हो सकता, फिर वो जितने की वहां करी यहाँ करके देख लो, तो 13 छिंग 78 जो कि ऑप्शन में है, ऑप्शन में है।